सर ये नरवाल है, नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर है। यहाँ की मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स वगैरह यहाँ पे होते हैं, इकट्ठे आते हैं जाते हैं। लेकिन यहाँ की हालत, जो मेन एंट्रेंस है उसकी हालत देखिए, आप खुद ही देखिए उसकी हालत। जगह जगह से रोड टूटे हुए हैं, कोई मतलब कि है नहीं, सिस्टम ही नहीं है यहाँ पर। बारिश होती है तो इतना पानी आता है कि यहाँ से ये छोटी गाड़ियाँ निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग चल रहे हैं, गवर्नमेंट भी देख रही है, जहाँ सभी देख रहे हैं, लेकिन कोई बोलता कोई नहीं है। जनाब देखा रोड में की बहुत बुरी हालत है, इधर लाखों गाड़ी आती है दिन भर, कोई पूछ मांग नहीं है। नाले में पानी डंप है, नाले बंद है, जाम खुलता ही नहीं है, 24 घंटे जाम रहता है ट्रांसपोर्ट नगर में। बहुत बुरी हालत है इधर, कोई ध्यान, सरकार को ध्यान देना चाहिए। इधर रोड की बहुत कंडीशन माड़ी है, इधर रोड बहुत ख़राब है। इसकी हालत देखो, ठेकेदार ठेका लेते हैं, काम करते नहीं हैं। देखो ना कितना रोड की हालत है, दिन ब दिन कुछ ना कुछ दिन का नुकसान हो जाता है, कुछ ना कुछ गाड़ी तोड़ देती है। अब इनको पता ही नहीं, ठेकेदार ठेके लेते हैं, पैसा लेते हैं, काम करते ही नहीं है। अब ये कहते हैं कि रोड वाले को ये काम करें। ये नरवाल बस ट्रांसपोर्ट नगर है, पूरी खस्ता हालत है रोड की, बहुत नुकसान है गाड़ियों को, बड़ी बुरी हालत है। सरकार के लिए हम यही निवेदन करते हैं कि कम से कम मरम्मत करा दी जाए, गाड़ियाँ बच जाएंगी, नुकसान बच जाएगा। ट्रैफिक भी जाम लगता है, कोई हिसाब ही नहीं है, लाखों के हिसाब से गाड़ियाँ चलती हैं दिन रात, ट्रांसपोर्ट नगर है। रोड टूटे हैं, सरकार समझ नहीं कुछ नहीं है, अभी रोड की बहुत बुरी हालत है, लाखों गाड़ी इधर जाती है। आपने थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, रोड की बहुत बुरी हालत है। इधर खड्डे भी जो बड़े खड्डे पड़े हैं, गाड़ी कोई चीज़ तोड़ देती है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना सरकार का काम है।